नमस्कार फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था सांख्य दर्शन का, इस लेक्चर में जो है हम सांख्य दर्शन के अंतर्गत हम क्यूरिकुलम का जो है वो किस प्रकार से बच्चे को विकास में सहायता प्रदान करता है, इस विषय पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा क्यूरिकुलम है वो देखिए, हम जो बच्चे की अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं के आधार पर अगर हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो तीन मुख्य कैटेगरी के अंदर हम इसको बांटते हैं। पहला है हमारा इन्फेंसी पीरियड या सेस्वावस्था, ठीक है। जो सेस्वावस्था है, बच्चा जब स्कूल जाने लगता है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, जब बच्चे को जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं उस टाइम क्या है आपका जो है वो मेन रूप से जो बच्चे की ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हम बच्चे के फोकस करते हैं और कर्मेंद्रियों से संबंधित जो क्रियाएं हैं बच्चे की, जो ठीक है कर्मेंद्रियों से संबंधित जो क्रियाएं हैं उन पर हम बल देने का प्रयास करते हैं। सांख्य दर्शन ऐसा कहता है कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो ज्ञान का जो है वो मुख्य स्रोत हैं, है ना। कि बच्चा क्या करता है, सीखता है, स्टार्ट करता है, जब पढ़ना स्टार्ट करता है तो कुछ चीजों को पहले देखता है, कुछ चीजों को पहले सुनता है, है ना। फिर उस पर क्या है, थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करता है ना। तो फिर क्या है, फिर उसके लिए वो अपनी जो है वो ब्रेन का भी सहारा लेता है, मस्तिष्क का भी सहारा लेता है, हाथों का भी सहारा लेता है और इस प्रकार से क्या है अपनी शिक्षण प्रक्रिया शुरू करता है, है ना। तो जो बच्चे का मेन फोकस हमारा सेस्वावस्था के अंदर सांख्य दर्शन कहता है कि किन चीजों पर होना चाहिए, बच्चे को जो क्यूरिकुलम पढ़ाया जाए वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से पढ़ाया जाए, उसके साथ ही साथ क्या है कर्मेंद्रियों के साथ सहायता से बच्चे के जो मस्तिष्क है उसका पूर्ण रूप से हम डेवलपमेंट करने का प्रयास है हमें जो है करना चाहिए। और शिशु क्या है, शिशु के जो अनुभव होते हैं ना वो कम होते हैं कंपैरिजन टू हमारी अन्य जो अवस्थाएं हैं इनकी तुलना में, क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चे ने दुनिया देखी नहीं होती, वो संसार में जस्ट आया ही होता है, दो तीन साल अपनी फैमिली के साथ गुजारते क्या है ज्यादा अनुभव उसको नहीं होते हैं, है ना। तो जो बच्चे का अनुभव ज्यादा नहीं होने के कारण क्या है वो ज्यादा काम भी नहीं कर सकता, ज्यादा कार्य नहीं कर सकता। और क्या है, जो ज्ञान प्राप्त करने में क्या है, जो बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य है और व्यायाम और खेलों को भी इसके अंतर्गत अगर हम शामिल करें तो बच्चे का जो क्यूरिकुलम है वो अच्छे से सिखाया जा सकता है और पाठ्यक्रम का एक हम इसको अंग भी बना सकते हैं, व्यायाम के माध्यम से बच्चे को पढ़ाएं, खेलों के माध्यम से बच्चे को पढ़ाएं, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो हम स्वास्थ्य के क्यूरिकुलम के अंतर्गत डाल सकते हैं, ऐसा सांख्य दर्शन कहता है। सांख्य दर्शन की जो सेकेंड टर्म है जो क्यूरिकुलम पढ़ाने की, वो उसको बच्चे की जो अवस्था है उसको बाल्य अवस्था का नाम देता है कि चाइल्डहुड के अंदर हम बच्चे को किस प्रकार का शिक्षण दें। तो चाइल्डहुड के अंदर सांख्य दर्शन कहता है कि बच्चे को जो है वो भाषा पढ़ाई जा सकती है, ठीक है। भाषा के साथ साथ क्या है, बच्चे को गणित पढ़ाया जा सकता है, मैथ पढ़ाया जा सकता है और भूगोल पढ़ाया जा सकता है, समाजशास्त्र पढ़ाया जा सकता है और उसके साथ साथ क्या है उसको विज्ञान की शिक्षा भी हम बच्चे को दे सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तक आता बच्चा क्या है कुछ जो है वो सीखना स्टार्ट कर देता है, काफी कुछ जो है उसके सिलेबस में हम यहाँ पर डाल सकते हैं उसके क्यूरिकुलम के अंदर, ठीक है। और क्या है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो है हमारा किशोरावस्था या एडोलेसेंस भी जिसको हम कहते हैं। तो जो ये अवस्था होती है, इस अवस्था तक आते आते बच्चा क्या है 14-15 साल का हो जाता है, 11-12-13-14-15, ठीक है। तो कोई इसकी एक कोई खास कोई सिरोरेखा नहीं होती, हम सिर्फ लक्षण के आधार पर समझ सकते हैं कि ये बच्चा हमारा इन्फेंसी पीरियड के अंदर है। ये लक्षणों को देखते हुए हमें परिभाषित होता है कि ये बाल्यावस्था के अंदर है और ये जो है हमारा क्या है ये किशोरावस्था के अंदर बच्चा जो है। तो इस प्रकार का जो बच्चा जब इस स्टेज के अंदर आ जाता है तो क्योंकि इन सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ चुका होता है तो वहां पर क्या है उसका जो तार्किक शक्ति है बच्चे की, जो मनन शक्ति है, जो कल्पना शक्ति है, उसका विस्तार हो गया होता है। तो वहां पर हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, वहां पर बच्चे को हम विवेचनात्मक रूप से पढ़ा सकते हैं और तर्कपूर्ण विषय हम उसको दे सकते हैं जिसके अंदर की बच्चा जो है वो तर्क के माध्यम से सीखे। तो ये जो है तरीका पढ़ाने का बच्चों का, ये जो है वो इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सही रहेगा, ऐसा सांख्य दर्शन कहता है। तो ये तो था हमारा क्यूरिकुलम। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षक की, कि जो सांख्य दर्शन है वो शिक्षक को कैसा चाहता है, कि शिक्षक कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात सांख्य दर्शन कहता है जो शिक्षक है वो क्या है, वो पूर्ण अपना जो विषय है पूर्ण ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए। किसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए अध्यापक को, विषय विशेषज्ञ होना चाहिए जो शिक्षक है वो क्या है, विषय का पूर्ण ज्ञान, विषय का पूर्ण ज्ञान जो है वो अध्यापक को होना चाहिए।
क्योंकि जब तक उसको सब्जेक्ट पर मास्टरी नहीं होगी, अपने विषय का पूर्ण ज्ञान अध्यापक को नहीं होगा, वो बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, बच्चे को पूर्ण ज्ञान वो नहीं दे सकता। तो जो अध्यापक है वो पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। इसके साथ साथ अध्यापक के अंदर बहुत सारे और गुण होने चाहिए और जो कि क्या है छात्रों को वो उपलब्ध करवाए, ठीक है। ऐसे अध्यापक होना चाहिए कि छात्रों में आत्म ज्ञान भी उपलब्ध कराए छात्रों के अंदर, ठीक है। उसके साथ ही साथ क्या है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हमने करनी है, इन चीजों का उसका उन पर फोकस होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक मेन बात ये है इसके अंदर निकल के आती है कि जो छात्रों की जिज्ञासाएं हैं उसको शांत करने वाला होना चाहिए। कि छात्र अगर अध्यापक से कुछ पूछते हैं तो अध्यापक जो है वो उनके प्रश्नों के उत्तर दे सके, उसकी अपनी इतनी कमांड होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट पर। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, अध्यापक कर्मशील होना चाहिए, अध्यापक जो है वो मेहनती होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, अच्छे आचरण वाला अध्यापक होना चाहिए। और क्या है, बहुत जितने भी गुण जो, क्योंकि क्या है जो अध्यापक है वो एक आदर्श रूप में बच्चे के सामने होता है ना, तो अध्यापक के अंदर जितनी भी क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे जो इंसान के रूप में होनी चाहिए वो भी जो है शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। चरित्रवान होना, विश्वसनीय होना, ठीक है, अध्ययनशील होना, आत्मज्ञानयुक्त होना, बहुत सारी फीचर्स होनी चाहिए। और क्या कहते हैं कि जो अपने शिष्यों में क्या है फिजिकल डेवलपमेंट कर सके, शारीरिक विकास कर सके, मानसिक विकास कर सके, उसके साथ ही साथ क्या है भावात्मक विकास भी बच्चों का कर सके, इस प्रकार का अध्यापक होना चाहिए, ठीक है। और जिसको क्या है ये कहते हैं कि जिसको केवल गुरु मिल गया वही सत्य को जानता है, परंतु गुरु क्या होना चाहिए, गुरु उपयुक्त होना चाहिए जो सत्य और श्रुति की मूर्ति हो। यानी कि जिसको सत्य ज्ञान कैसे मिलेगा, इस चीज का ज्ञान हो, क्योंकि गुरु क्या करता है, गुरु पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है, वो बच्चे को रास्ता दिखाता है। अगर गुरु को ही ज्ञान नहीं है तो विद्यार्थी को ज्ञान नहीं हो सकता। तो सांख्य दर्शन कहता है कि जो अध्यापक है वो क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए अपने काम में, और एक अच्छा जो है वो सदाचारी चरित्रवान इंसान है होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सांख्य दर्शन और स्टूडेंट की, शिक्षार्थी की बात करते हैं कि शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए। शिक्षार्थी कौन होता है, जो शिक्षा ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, शिक्षार्थी कहलाता है। तो शिक्षार्थी, ये तो शिक्षक हो गया कि विषय का पूर्ण ज्ञान उसको होना चाहिए, ठीक है। अब शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी को भी तो ग्रहण शिक्षा करनी है, तो वो भी क्या होना चाहिए, जिज्ञासाशील प्राणी होना चाहिए, उसके अंदर भी ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा होनी चाहिए, अपने अध्यापक के प्रति क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या है, जो शिक्षार्थी क्या है शारीरिक मानसिक भावात्मक बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास का पक्षधर अगर है विद्यार्थी, तो वह क्या है, वह अध्यापक के शरण में जा सकता है। और जो क्या है, जो शिक्षक है, शिक्षा सांख्य दर्शन क्या करता है, ये कहता है कि जो शिक्षार्थी है उसका जो व्यक्तित्व है उसका आदर करता है सांख्य दर्शन, ठीक है। जो शिक्षार्थी है सांख्य दर्शन क्या करता है, उसके व्यक्तित्व का आदर करता है। और सांख्य दर्शन कहता है कि शिक्षार्थी को एक साधक माना गया है, साधक कौन होता है, जो साधना करता है। तो शिक्षार्थी क्या करता है, शिक्षार्थी साधना करता है, शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयास करता है ना, तो वो साधक की जैसे उसकी तुलना इन्होंने की है। शिक्षार्थी को क्या है, क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो शिक्षार्थी का आचरण है वो श्रेष्ठ होना चाहिए, अच्छे गुण व्यक्तित्व के अंदर अपने धारण करने चाहिए, संयमशील होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या है, ब्रह्मचर्य का मनसा वाचा पालन करना चाहिए, कर्मणा पालन करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ अध्यापक के शिक्षार्थी के अंदर जो मेन गुण होता है वो होता है नम्रता, ठीक है, नम्रता का अगर वो परिचय देता है, ठीक है। अब नम्रता क्या होती है कि नम्रता की हम चाहे जहाँ पर हम प्यार से काम चलाएं वहाँ हमें जो है अपने से बड़ों का आदर करना है, छोटों से प्यार करना है, जो एक अच्छा आचरण एक इंसान का होना चाहिए वो गुण हमें धारण करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ क्या है, जो गुरु भक्ति होनी चाहिए, परंपरा का पालन करने वाला होना चाहिए, यज्ञोपासना करने वाला होना चाहिए, धन और विद्या और शक्ति का दान करने वाला जो है वो छात्र हमें होना चाहिए, और अच्छे लोगों की संगत में रहे, सदाचरण अपनाए, संगति में अच्छी संगति में रहे। तो इन गुणों से जो युक्त विद्यार्थी है विवेक ज्ञान को वो प्राप्त कर सकता है, और विवेक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही जो है वो विद्यार्थी को क्या हो सकती है, शिक्षा के जो सच्चे उद्देश्य है वो उसके प्राप्ति हो सकती है। तो जो एक अध्यापक है, एक जो शिक्षार्थी है, वो कैसा होना चाहिए, हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम अनुशासन की बात करेंगे, डिसिप्लिन की बात करेंगे, कि जो ये तो हो गया शिक्षार्थी, इसके बाद जो है वो अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए, देखिए अनुशासन, अनुशासन भी किसको रहना होता है, अध्यापक को भी रहना होता है और विद्यार्थी को भी रहना होता है, दो
दोनों को ही अनुशासन में रहना होता है और दोनों को ही अनुशासन का परिचय देना होता है, क्योंकि अनुशासन क्या है? अनुशासन अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि हम जो है वो सदाचरण को अपनाते हैं, अपना काम जो है वो समय पर और अच्छे ढंग से करते हैं, वही क्या है? अनुशासन है। ठीक है, सांख्य दर्शन क्या कहता है? सांख्य दर्शन कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है ना। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? विवेक ज्ञान जरूरी है। और विवेक ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? विवेक ज्ञान के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होगी? विवेक ज्ञान के लिए हमें अनुशासन की आवश्यकता होती है। ठीक है, विवेक ज्ञान के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? अनुशासन की आवश्यकता होती है। कि ज्ञान को ग्रहण करना कैसे है? हमने डिसिप्लिन में रह के अपने आप को, ठीक है, मर्यादा में रह करके अपने अध्यापकों का जो अनुसरण करके उनको उनको रिस्पेक्ट करके उनकी, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है? सांख्य दर्शन कहता है कि आध्यात्मिक और लौकिक दोनों प्रकार के अनुशासन पर बल देता है। इस प्रकार के जो चाहे आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक अनुशासन का टाइप है, आध्यात्मिक और लौकिक अनुशासन, लौकिक लौकिक अनुशासन जो इस लोक के अंदर जिस अनुशासन की हमें आवश्यकता पड़ती है जीवन यापन करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? लौकिक आसन कहते हैं। ठीक है, तो जो आसन है हमारा किस प्रकार का होना चाहिए? लौकिक अनुशासन की बात करते हैं। और इसके साथ साथ क्या है, इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि जैसे अहिंसा है, सत्य है, इसके अलावा ब्रह्मचर्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, इन गुणों को जो है अपने जीवन में हमें धारण करना है, और स्वयं के जीवन को नियमित बनाने के लिए और सामाजिक जीवन को जो है वो समृद्ध करने के लिए भी क्या है, हमें इस नियम का पालन करना जरूरी है। कौन कौन से पालन? जैसे कि आपका सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, अस्तेय हो गया, अपरिग्रह हो गया, ठीक है, इसके साथ ही साथ ब्रह्मचर्य हो गया, कि जीवन में इन सद्गुणों को अपनाते हुए अनुशासन में रहते हुए। और बहुत सारे जैसे क्या है, आसन भी हम इसके अंदर अपना सकते हैं, जैसे कि आपके उठने का टाइम है, आपके सोने का टाइम है, चलने का टाइम, पढ़ने का टाइम है ना, तो उचित जो आसन है इनका अभ्यास करके भी जो है हम बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, प्राणायाम करवा सकते हैं, प्राणायाम के द्वारा जो हमारी श्वसन क्रिया है, और इसके साथ साथ क्या है, जो हमारी इमोशंस हैं, जो हमारे संवेग हैं, जिन पर हमारा कंट्रोल जो है वो हम कर सकते हैं, ये सब चीजें भी जो है वो अनुशासन की कैटेगरी के अंदर ये रखते हैं। ये कहते हैं कि जो धारण में चित्त को अभिष्ट विषय पर स्थिर करना, ध्यान में विषय पर निरंतर मनन करना, और समाधि में मन का ध्येय विषय में तन्मय हो जाना, यानी कि जो हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो ध्यान के माध्यम से हम क्या है, हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, हम अपने आप के खुद के संवेगों पर नियंत्रण कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारी क्रियाएं हैं, चाहे सांस लेना है, चाहे चलना है, चाहे फिरना है, खाना है, पीना है, हम आसनों के द्वारा उनको क्या कर सकते हैं, एक उचित रूप दे सकते हैं। अब हम ये तो बात हो गई हमारी की हमारा अनुशासन कैसा होना चाहिए। उसके बाद जो सांख्य दर्शन है वो कुछ शिक्षण विधियां भी देता है, वो कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली शासन जो अनुशासन विधियों पर बल देता है वो है हमारी कि जो शिक्षण है वो किस कैसे होना चाहिए, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष शिक्षण पर बल देता है। जो शिक्षण विधियां हैं किस प्रकार की होनी चाहिए? सबसे पहले शिक्षण विधियों में अगर हम बात करें प्रत्यक्ष शिक्षण की, शिक्षण विधियां, पहला प्रत्यक्ष शिक्षण कि बच्चे को किस प्रकार का ज्ञान हम करवाए। प्रत्यक्ष अगर बच्चे को शब्द दर्शन कहते हैं कि अगर बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से चीजें दिखाई जाए और प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण कराया जाए तो वो क्या है, वो भी एक बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं कि जो प्रत्यक्ष के साथ साथ क्या है, अनुमान पर आधारित शिक्षण, प्रत्यक्ष शिक्षण, दूसरा अनुमान पर आधारित शिक्षण, अनुमान शिक्षण, और तीसरा आपका शब्द शिक्षण। ये मैं हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो शिक्षण है कई प्रकार से करवा सकते हैं हम बच्चे को, अनुभव के द्वारा भी, विचारों के द्वारा भी,
ठीक है। और आपत वचन भी इसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं, शब्द विधि भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और विधि है जो हम इसमें शामिल कर सकते हैं, वो है हमारी, उसको विधि का नाम हम देंगे सूत्र विधि। सूत्र विधि के द्वारा भी जो है हम बच्चे को शिक्षण है करवा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी शिक्षण विधियां होती हैं, हमने पहले भी कई बार इसका जिक्र किया है, जैसे कि आपकी उपाख्यान विधि होगी, दृष्टांत विधि होगी, तर्क विधि होगी, क्रिया विधि होगी और अभ्यास विधि होगी। सांख्य दर्शन जो है वो इन कुछ विधियों पर काम है करवाना बच्चे को, चाहता है कि इन बच्चों इन विधियों के माध्यम से हम बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं, उनको विवेक ज्ञान की प्राप्ति में ये विधियां जो है वो क्या रहती है, आपकी सहायक रहती है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम देखें कि जो सांख्य दर्शन है उसका शैक्षिक महत्व क्या है, क्या इंपोर्टेंस है। एजुकेशनल इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल इंपोर्टेंस के अंदर हम देखिए बात, सांख्य दर्शन जो है वो क्या है, जीवन के जो दोनों पक्ष हैं, कौन कौन से, भौतिक पक्ष और आपका आध्यात्मिक पक्ष, दोनों पर बल देता है कि जो व्यक्ति का क्या होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, साथ ही साथ क्या है भौतिक पक्ष का भी बल पर देता है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में जो व्यक्ति का भौतिक पक्ष है वो भी कहीं ना कहीं अपना जो है वो रोल प्ले करता है, तो ये दोनों को महत्व पर बल देता है। दूसरा, सांख्य दर्शन में क्या है, पाठ्यक्रम जो है, जैसे हमने बताया कि पाठ्यक्रम के अंदर बहुलताएं हैं, है ना, तो जो बहुलताएं हैं कहता है कि जो पाठ्यक्रम है सभी की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। एजुकेशन इम्प्लीकेशन इसकी क्या है कि इस प्रकार का अगर हम बच्चे को पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं तो वो सभी अवस्थाओं के लिए जीवन बच्चे की, उसके लिए क्या है वो पूर्ण सक्षम है, बच्चे का पूर्ण विकास करने में पूर्ण उसका योगदान दे सकता है। फिर इसके बाद जो सांख्य दर्शन है वो क्या है, उसके अंदर जो आपका प्रमाण है, ठीक है, प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है और जो सूत्र है, इनकी इनकी सहायता से ये चीजें क्या है, ये मनोवैज्ञानिक जो विश्लेषण हम करते हैं, ठीक है, उसके आधार पर शिक्षण विधियां जो है वो ये हमारे एजुकेशन को देती है, ठीक है, हमारे शिक्षा को ये योगदान देती है कि हम इन इन मेथड्स को अपना करके जो है हमारी शिक्षण प्रक्रिया को अच्छा बना सकते हैं, बच्चे का सर्वांगीण विकास हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो सांख्य दर्शन है वो क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के महत्व और उसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करता है कि जो व्यक्ति है वो क्या है, एक स्वतंत्र इकाई है, मोक्ष प्राप्त करना उसके जीवन का उद्देश्य है, और लोकतांत्रिक दर्शन का मार्ग प्रस्तुत करता है कि यहाँ पर कहीं भी रिजिडनेस नहीं है, है ना, कि ना तो इसमें क्या है, बच्चा जो है वो संयम में रहे, अनुशासन में रहे, अध्यापक भी संयम में रहे, अनुशासन में रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, अच्छी चीजें बच्चे को सिखाए, सदाचार जीवन में अपनाए, तो बहुत ही अच्छे संस्कार जो है वो बहुत ही अच्छी पद्धति जो है वो सांख्य दर्शन हमें देता है, हमारी शिक्षण व्यवस्था को देता है। इसके साथ साथ क्या है, जो अनुशासन की धारणा है, चाहे वो अध्यापक की धारणा है, चाहे वो विद्यार्थी की संकल्पना है, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी जो है वो शिक्षा को योगदान है, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो शिक्षा के संबंध में इसका है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसके अलावा भी और अगर हम देखें तो जो सांख्य दर्शन है वो क्या है, बाल जो विकास है उसका विवेचन बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से करता है कि जो बालक की अवस्थाएं हैं, जैसे उन्होंने क्या माना चाहे स्वावस्था, बाल्यावस्था, है ना, किशोरावस्था, तो इस प्रकार से अवस्थाओं के अकॉर्डिंग जब हमने बच्चे की स्टडी की, अवस्थाओं के अकॉर्डिंग हमने बच्चे को क्यूरिकुलम निर्धारित करके दिया कि इस अवस्था के अंदर आपको ये पढ़ाया जा सकता है, इस अवस्था के अंदर शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, मैक्सिमम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये चीजें हम पढ़ा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये जो दर्शन है ये बाल विकास की दृष्टि से शिक्षक को एक नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, इंसाइट प्रदान करता है टीचर के लिए, टीचर के लिए भी मार्ग आसान कर देता है, क्योंकि टीचर भी कंफ्यूज नहीं होगा कि मुझे किस अवस्था के बच्चे को क्या पढ़ाना है, है ना, क्योंकि साइकोलॉजिकली क्या है, मनोवैज्ञानिक रूप से जब हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में पूर्ण हो जाता है, वो अपने आप में सक्षम हो जाता है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट सांख्य दर्शन, जिसमें हमने सांख्य दर्शन के बारे में बहुत अधिक बारे में जानने का प्रयास किया कि आज भी जो है इसका जो योगदान है शिक्षा के अंदर उसका बहुत अधिक योगदान है, बहुत ही अच्छा इन्होंने मेथड्स दिए हैं, डिसिप्लिन बहुत अच्छे दिए हैं, टीचर का जो रोल है, विद्यार्थी का चाहे रोल है, ठीक है, सब के और जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो भी बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत दो मेन उद्देश्य हमें बताए थे, अगर मैं रिवाइज करूँ आपको, तो पहला था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और उसमें मोक्ष प्राप्त करना जो है शिक्षा का उद्देश्य था, दूसरा जो है वो उसके अंदर क्या था,
कि व्यक्ति को अपने दुखों से बाहर निकलना चाहिए। संसार के अंदर उन्होंने तीन दुख बताए थे, आदि आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख, कि हमें इन दुखों में उलझ करके अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है, बल्कि इन दुखों से मुक्ति के लिए क्या है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, विवेक ज्ञान प्राप्त करना है, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें शिक्षा से ही मिलेगा। इस तरह की शिक्षण व्यवस्था को अपना करके जो है वो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था सांख्य दर्शन हमारा, जो सांख्य दर्शन मेनली एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि द्वैतवादी दर्शन है और कपिल मुनि ने इसको दिया है, और इसके अंदर दो ही मेन एलिमेंट्स हैं, एक प्रकृति है और एक पुरुष है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।